हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन। सुमन टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों की स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर। दोस्तों, मैंने पहले काफी वीडियो बना चुका हूँ इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर, मेरे चैनल पे है। दोस्तों चाहते हो तो दोस्तों उन वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। दोस्तों, काफी दिनों से मेरे इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जो वीडियो है दोस्तों, उन वीडियो में कॉमेंट आ रहा है बैंक में जाके रिपकोड को किस तरह से अप्रूव किया जाए, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को कैसे ओपन किया जाए, विदाउट एटीएम कार्ड के किस तरह से ओपन किया जाए इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को, एसबीआई की वेबसाइट में किस तरह से लॉगिन किया जाए, उन सारे कमेंट का जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को गौर से जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपका सारे प्रॉब्लम डाउट क्लियर हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो विदाउट एटीएम कार्ड के किस तरह से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस किया जाए, ओपन किया जाए, दोस्तों उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हूँ मेरे चैनल पे है। चाहे तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जितने भी सारे मैंने वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, उन सारे वीडियो का लिंक दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए मेहमान आए हो तो फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, और दोस्तों और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, कुछ लोग कमेंट करके मुझे पूछ रहा है, जब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तब क्या हम लोगों की अकाउंट से पैसा काटेगा, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की पैसा एक भी नहीं काटेगा। दोस्तों, आपका पैसा जितना है अकाउंट में उतना ही रहेगा, इसके लिए आप लोग मत घबराए। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं बैंक में अप्रूव करने का क्या प्रोसेस है रिप नंबर को। दोस्तों, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है जो हार्ड वर्क होगा ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आसानी से अप्रूव करा सकते हो बैंक में रिप नंबर को। जस्ट आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कीजिए, रिप नंबर को लीजिए, बैंक जाइए, बैंक वालों से बात कीजिए, मैं इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, मेरा जो रिप नंबर है इसको अप्रूव कर दीजिए। हो सके आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग सकता है, जो बैंक वाला है वो लोग मांग सकता है, इसलिए आपके पास वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह होना जरूरी है, और साथ में पासबुक भी होना जरूरी है। उसका कोई गारंटी नहीं है कब क्या प्रूफ मांग ले, तो दोस्तों आप ले जाइए, हो सकता है आपसे मांग भी ले वेरिफिकेशन करने के लिए। दोस्तों, मुझे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, मैंने बिना एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद मुझे जो रिप नंबर मिला है उसको लेके मैंने बैंक गया, और बैंक में जाने के बाद बैंक वाले बोलते हैं होम ब्रांच जाने के लिए, तो मैं अब क्या करूँ। हाँ, आपको होम ब्रांच जाना होगा, और आप होम ब्रांच जाके ही आपका जो रिप नंबर है उसको अप्रूव करा सकते हो। दोस्तों, और एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, भाई आपका मोबाइल नंबर दे दो। दोस्तों, मैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दोस्तों ये सोशल मीडिया है, दोस्तों नंबर यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो दोस्तों मुझे फेसबुक पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या फिर दोस्तों इंस्टा पे भी आप लोग आसानी से फॉलो करके मैसेज वगैरह कर सकते हो, आपका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, मैंने जब इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तब मैंने अकाउंट नंबर डाला, आईपीसी कोड डाला, साथ में मोबाइल नंबर डाला और होल्डर नेम वगैरह डाला, मैंने सारे अकाउंट की डिटेल्स वगैरह डाल दिया, और डालने के बाद फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद जैसे अप्लाई में क्लिक किया और अप्लाई में क्लिक करने के बाद फोन नंबर नो मैच बता रहा है, इसका कारण क्या है। तो भाइयों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो नंबर आपकी बैंक से लिंक नहीं है, मतलब दोस्तों आपकी खाते से लिंक नहीं है, इस कारण से आपको जो मैसेज हो रहा है वो हो रहा है नो मैच मोबाइल नंबर। इसका मतलब है आपका आपकी जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपकी खाते से लिंक करना होगा, और खाते से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा, और बैंक में जाके आप लोगों को बोलना होगा मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको मेरे खाते से लिंक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाइयों, मेरे पास एक भाई ने कमेंट किया है, वो पूछ रहा है, भाई मेरे पास एटीएम कार्ड है लेकिन मैं आई हैव नो एटीएम कार्ड कर दिया हूँ, और मैंने सारे डिटेल्स वगैरह भी डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया मेरा इंटरनेट बैंकिंग का, रिप नंबर वगैरह भी मिल गया, लेकिन मेरे पास एटीएम कार्ड था लेकिन मैं फिर भी आई हैव नो एटीएम कार्ड कर दिया हूँ, अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मैं एटीएम कार्ड के थ्रू किस तरह से रजिस्ट्रेशन करूँ, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरह से मैं इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकूँ। तो वो भाई जब एटीएम कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल बता रही है,
क्योंकि उसने आई हैव नो एटीएम कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया और उसको रिप नंबर वगैरह मिल गया, इसलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम यही हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग घबराए मत, आपको जो भी नंबर मिला है पीडीएफ फाइल में, मतलब जो आपको रिप नंबर मिला है उस नंबर को लेके आप ब्रांच जाइए और ब्रांच जाके बात कीजिए, मेरे इस नंबर को अप्रूव कर दीजिए रिप नंबर को और मैं इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो दोस्तों आपका जो भी रिप नंबर होगा दोस्तों वो बैंक वाले अप्रूव कर लेंगे और अप्रूव करने के बाद आप लोग इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी एक भाई ने कमेंट करके पूछा है, जब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तब क्या पैन कार्ड की जरूरत होंगे? नहीं भाई, तब कोई पैन कार्ड वगैरह नहीं मांगता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। आपने तो ऑलरेडी पहले ही पैन कार्ड और वोटर कार्ड से अकाउंट खोल चुका हो, मतलब बैंक की जो आपने खाता खोला है वहाँ पर शायद आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लिंक होगा। तो दोस्तों आप जब इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आप कोई भी पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए आपकी इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और एक भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा है, मुझे जो रिप नंबर मिला है उसको क्या पिन कर लूँ उस पेज को? हाँ दोस्तों, जो भी आपको पीडीएफ फाइल मिला है उस फाइल को आप लोग सबसे पहले पिन कीजिए, पिन करने के बाद उस पेज को लेके आप लोग ब्रांच जाइए और ब्रांच जाके उस रिप नंबर को अप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों और भी कुछ लोग पूछते हैं कमेंट करके, जब हम लोग रिप नंबर को लेके बैंक जाएंगे तो कितने दिन में अप्रूव हो जाएगा और कितने दिन के बाद हम लोग उस इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो? दोस्तों आप लोग रिप नंबर को लेके सिंपल सी बैंक में जाए, बैंक में जाने के बाद बैंक वालों को बोलिए मुझे इस नंबर को अप्रूव कराना है, तो दोस्तों वो लोग अप्रूव कर देगा। अगर दोस्तों वहाँ पर ज्यादा लोग वगैरह नहीं होगा, भीड़ कम होगा, तो दोस्तों आपका एक ही दिन में अप्रूव हो जाएगा आपका रिप नंबर। तो दोस्तों यही प्रोसेस है रिप नंबर को अप्रूव कराने का। तो दोस्तों एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा है, यूजर नेम कहाँ से लो? दोस्तों यूजर नेम कहीं से लेने की जरूरत नहीं होता है, जब आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं डिटेल्स वगैरह डाल के अकाउंट की अप्लाई करने के बाद वहाँ पर यूजर नेम बनाने का एक ऑप्शन होता है और पासवर्ड बनाने का एक ऑप्शन होता है। जो आपने यूजर नेम वहाँ पर क्रिएट किया है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, उन दोनों को अच्छी से किसी नोटपैड में नोट करके रख लीजिएगा और नोट करने के बाद उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। रिप नंबर को जब आप लोग बैंक में ले जाएंगे उसके बाद बैंक वाले अप्रूव कर देंगे और अप्रूव होने के बाद आप घर आइए, घर आके फिर से आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग की जो अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की जो वेबसाइट है onlinesbi.com, तो दोस्तों उसी वेबसाइट में जाना होगा और जाने के बाद उस वेबसाइट में अपना जो यूजर नेम पासपोर्ट है दोस्तों बनाया था वही पासपोर्ट और वही यूजर नेम डाल के आप लोगों को साइन इन करना होगा। जैसे आप लोग साइन इन करेंगे वैसे ही आपकी मोबाइल नंबर में ओटीपी वगैरह आएगा, वो डाल के रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को फिर से दोबारा एक नया यूजर नेम और एक नया पासपोर्ट क्रिएट करना होगा और ये दोनों क्रिएट करने के बाद फिर से दो एक बार ओटीपी वगैरह आपकी मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा मोबाइल नंबर पे और आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आते हैं फिर से नेक्स्ट सवालों की तरफ। और एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा है, जब हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं जो हम लोगों को रिप नंबर मिलते हैं उस नंबर को लेके जब हम बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने के बाद जो नंबर है वो अप्रूव होने के बाद क्या मोबाइल नंबर पे कोई मैसेज आएगा? इसका कोई गारंटी नहीं है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा क्या, नहीं आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और बैंकिंग की रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे वीडियो देखना ज्यादा इंटरेस्ट है और दोस्तों आप लोग पसंद करते हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे दोस्तों आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और दोस्तों आप लोग उस नोटिफिकेशन में क्लिक करके वीडियो का फ्री में मजा ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टाइम पे, किसी और नए समय पे। जय हिंद, वंदे मातरम।